अजहर जी, अभी जो रिसेंट में CDPO का एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम में इनका 11th रैंक आया है। ये हमारे जो फाउंडेशन बैच है, इस फाउंडेशन बैच PIE 8 के स्टूडेंट रहे हैं। यहाँ के सेटिस्फेक्शन लेवल को देख सकते हैं परफेक्शन IAS के, कि मैं कितना उनसे सेटिस्फाइड था कि PIE 08 में मैंने अपना नामांकन कराया। उसके बाद फिर PIE 13 उसमें मेरी वाइफ इनरोल हुई है। PIE 25 में मैंने अपनी छोटी बहन का भी इनरोलमेंट कराया। तो ये आप यहाँ का योगदान समझ सकते हैं हमारी सफलता के पीछे। सबसे बड़ा यहाँ पर का योगदान रहा प्रीलिम्स क्लियर करने में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर का जो मार्गदर्शन तो है ही, नो डाउट गाइडेंस सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हमारे लाइफ में, लेकिन यहाँ का जो मॉक टेस्ट था मुझे लगता है कि वो सर्वोत्तम था। आप लोगों का मार्गदर्शन और यहाँ के जो मटेरियल्स थे, करंट अफेयर्स स्पेसिफिक ज़्यादा कर अगर बोला जाए तो वो बहुत हेल्पफुल रहा, जिसके कारण मेरा प्रीलिम्स अभी तक होता रहा। हेलो एवरीवन, परफेक्शन IAS में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग के साथ हैं अजहर जी। पहले तो मैं आपको इनके बारे में बता दूँ कि अजहर जी अभी जो रिसेंट में CDPO का एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम में इनका 11th रैंक आया है, जो कि निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता है। तो आपको हार्दिक बधाई अजहर जी। और मैं एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये हमारे जो फाउंडेशन बैच है, इस फाउंडेशन बैच PIE 8 के स्टूडेंट रहे हैं। तो इस कारण से और भी हमारे लिए ये गर्व की बात हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमारे पूरे टीम की तरफ से अजहर जी आपको हार्दिक शुभकामनाएँ, आप नित्य नई ऊँचाइयों को छूते रहें, यही हमारी शुभकामनाएँ हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताएं और अपनी स्ट्रेटजी प्लीज़ शेयर करें। जी जरूर। सबसे पहले तो मुझे ये मौका मिला है बोलने का, तो इसके लिए मैं आप लोगों का परफेक्शन IAS के मैनेजमेंट का आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हर स्टूडेंट्स का सपना होता है कि ऐसा कन्वर्सेशन हो, और ये सपना पूरा करने में कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो तहे दिल से मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि मुझे आज ये मौका मिला है। और मैं, जैसा कि सर ने बताया कि मैं PIE 08 से जुड़ा था फाउंडेशन बैच से ही, और बस मैं इसी से बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ के सेटिस्फेक्शन लेवल को देख सकते हैं परफेक्शन IAS के, कि मैं कितना उनसे सेटिस्फाइड था कि PIE 08 में मैंने अपना नामांकन कराया। उसके बाद फिर PIE 13 या 14, नॉट मतलब 100% श्योर नहीं हूँ, 13 शायद, उसमें मेरी वाइफ इनरोल हुई है, ठीक है। और PIE 25 में मैंने अपनी छोटी बहन का भी इनरोलमेंट कराया, और सब फाउंडेशन कोर्स। तो कहीं ना कहीं इस आप समझ सकते हैं कि जनरली क्या होता है कि एक स्टूडेंट बाहर निकलने के बाद मतलब इंस्टीट्यूट में मतलब प्रीफर करने लगते हैं कि ना ये वहाँ ये कमी है वो कमी है, लेकिन मतलब मैं इतना सेटिस्फाइड था कि मैंने मतलब यहाँ पर अपने मतलब जो जुड़े हुए लोग हैं उनको यहाँ पर आपके फैमिली के या दूसरे मेंबर्स भी जरूर। तो ये आप यहाँ का योगदान समझ सकते हैं हमारी सफलता के पीछे। और रही बात स्ट्रेटजी की, तो आज जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि BPSC में 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये सभी जानते हैं। तो प्रीलिम्स का जो था कि अगर हमसे पूछा जाए कि पर्सनली फ्रेंकली मैं बोलना चाहूँगा कि क्या सबसे बड़ा यहाँ पर का योगदान रहा प्रीलिम्स क्लियर करने में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर का जो मार्गदर्शन तो है ही, नो डाउट गाइडेंस सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हमारे लाइफ में, लेकिन यहाँ का जो मॉक टेस्ट था मुझे लगता है कि वो सर्वोत्तम था। थैंक यू। शायद सर आपको मतलब ध्यान में ना हो, मैं यहाँ पर प्रयास, जो यहाँ का जो प्रयास सीरीज चलाया जा रहा था उसमें मैं एक बार प्रथम स्थान भी हासिल किया हूं। और क्या होता था कि, और अंडर 10 में बहुत बार रहा हूँ प्रयास में, तो क्या होता था कि कभी पढ़ाई में अगर डिसकंटिन्यूटी भी आ जाती थी किसी कारणवश, तो जब मैं वो रैंक देखता था तो मुझे लगता था कि जब मैं परफेक्शन IAS में ऐसा रैंक हासिल कर रहा हूँ तो मैं क्रैक कर, मोटिवेशन सर मिलता था। फिर लगता था कि, और दोस्त लोग भी थे तो बोलते थे, अरे जहाँ पर कि मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट के ऐसे मॉक टेस्ट में अगर तुम्हारा ऐसा रैंक आ रहा है तो तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो मैं सर आपसे गुजारिश करूँगा कि जिस तरह का मतलब ये चला रहे हैं मुहिम आप लोग, ठीक है, इसको प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब स्टूडेंट है। आप लोगों का सहयोग और आप लोग की सफलता से ही ये जो मुहिम है ये आगे बढ़ता जाएगा। कहते हैं ना कि हम लोग आगे बढ़ते गए और आप लोग जुड़ते गए, आप लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो ये कारवा है और ये सफलता का ट्रेडिशन है, सफलता का एक इतिहास है, जिसको हम लोग आप लोग की मदद से ही हम लोग इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। मैं स्पेसिफिकली मैं चाहूँगा कि आप जो भी हमारे साथी हैं इनको अपने
मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में बताएं, क्योंकि प्रीलिम्स में अब मैं कंटिन्यू देख रहा हूं कि आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे हैं, प्रीलिम्स आपका अच्छा रहा भी है, मेंस के स्ट्रेटजी के बारे में बताएं। सर, अगर मैं प्रीलिम्स में एक दो पॉइंट और अगर इजाज़त तो जोड़ना चाहूँगा कि प्रीलिम्स में जब मैं यहाँ पर लगातार प्रयास और यहाँ पर जो सीरीज चलते हैं रेगुलर बैचेज के भी, तो इसको देने के बाद इतना कॉन्फिडेंस हो गया, जैसे कि मैं 2020 के बाद कोरोना के बाद डिसकंटिन्यूटी अच्छा खासा आया, मेंटल प्रेशर एज ए शादीशुदा थोड़ा सा मेंटल प्रेशर भी रहता था, तो लेकिन यहाँ पर का जो शुरुआती दौर में जो बेसिक मतलब जैसे राहुल सर पढ़ाते थे या सुशांता सर जो मैं शुरू में पढ़ा, तो उन लोगों ने ऐसा बेसिक मतलब एक तरीके से मैं यहाँ पर पढ़ा कि उसके बाद अगर मैं बताऊँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि 3 साल तो कुछ नहीं था, फिर अभी अगर हम देखें तो पटना हाईकोर्ट का असिस्टेंट का मैं मेंस लिखा हूँ, फिर उसके बाद मैं सचिवालय का मेंस लिखा हूँ, उसके बाद फिर मेरा ये बीपीएससी असिस्टेंट जिसमें कि 44 सीट है सिर्फ, उसमें भी मेंस लिखने का मुझे मौका मिल रहा है, तो और फिर 67th मेंस लिखा हूँ, 68th मेंस लिखा हूँ, 67th और 68th मेंस जी जी, और तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मॉक टेस्ट आप लोगों का मार्गदर्शन और यहाँ के जो मटेरियल्स थे करेंट अफेयर्स स्पेसिफिक ज़्यादा कर अगर बोला जाए तो वो बहुत हेल्पफुल रहा, जिसके कारण मेरा प्रीलिम्स अभी तक होता रहा। बिल्कुल। और जहाँ तक रही मेंस की बात, तो मेंस मुझे लगता है कि सबसे पहले तो स्टूडेंट लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम क्यों कोचिंग ज्वाइन किए हैं। जैसे कि मेरा कोचिंग ज्वाइन करने का मतलब था कि अब मुझे इजी पाथ मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कंटेंट रेडीमेड जब मिल जा रहा है तो मैं क्यों और इधर उधर भटकूं, एक मार्गदर्शन मिल जा रहा है, तो सबसे पहले तो आपको फेथ करना होगा, जो मेरा मुझे लगता है विश्वास कीजिए, आपको 2 फैक्ट्स कहीं अलग से कुछ और मिल सकते हैं, लेकिन आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं अगर इसको अगर करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड है, बहुत सारे मेथड से आराम से आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन भटकने से अच्छा है कि कोई एक पाथ पर बिलीव करें, और यहाँ पर जो कंटेंट मिलता है चाहे वो मेंस के मेंस से रिलेटेड अगर बात करें तो ये सबसे जो मुझे तो लगता है रिवॉल्यूशनरी आइडिया टाइप का लगता है मुझे कि बीपीएससी मेंस एनालाइजर जो था, मेंस एनालाइजर वो मुझे नहीं लगता है कि हर जगह बिहार क्या दिल्ली उल्ली हर जगह वो पहुंचा हुआ था, इनफैक्ट मेरे भाई हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको मैं भेजा। अच्छा। और जैसे CDPO में ही क्वेश्चन जैसे जीविका दीदी पर पूछ दिया गया डायरेक्ट, जबकि वो LSW में पूछा गया, लेकिन BPSC मेंस एनालाइजर अगर हम देखते हैं तो जीविका दीदी को बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो बहुत हेल्प मिला। और मेन दिक्कत होता है कि बिहार स्पेसिफिक कंटेंट का, और जब कंटेंट हमें इतने अच्छे से मिल जा रहा है एक जगह, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कहीं और, उसी को बार बार आप रिवाइज कीजिए, बार बार जो सर के नोट्स हैं, खास करके अगर पॉलिटी का आप नोट्स देखते हैं तो जो निहित सर के क्लास में जो मतलब हार्डली 20 दिन में इतने अच्छे से उन्होंने उसको कवर किया कि अगर हम मतलब हार्डली कोई एक टॉपिक पे अगर 2 पेज का नोट्स है मेरे पास तो उससे रिलेटेड उस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाए, तो मुझे लगता है कि मतलब आसानी होती है, लगता है कि अपने ही कॉपी में लिख रहे हैं, अपने कॉपी में लिख रहे एग्जैक्टली। तो और अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी वगैरह इकोनॉमिक्स वगैरह सर ये तो मैं आपसे ही पढ़ा हूँ, तो बस मतलब कुछ ही टॉपिक पढ़ा मैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर MSME इंडस्ट्री ये सबसे रिलेटेड जो पढ़ा मैं, तो इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट आपने मतलब कुछ कुछ जैसे 10 पॉइंट लिखा है उसमें 3 पॉइंट जैसे अभी भी सर याद है कि सोशल स्टिग्मा करके हमेशा कि लैक ऑफ सोशल इनरिचमेंट मतलब कि स्टिग्मा करके कि हाँ सोशल स्टिग्मा होता है जिस कारण से हम लोग इनरिच नहीं कर पाते, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आपने एक अच्छा बताया था कि इसका लिमिटेशन जैसे है कि यहाँ के फूड बिहेवियर हम लोगों का, तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सर एनरिच किया। बिल्कुल। और बाकी तो सर लैक ऑफ क्रेडिट ये सब तो सभी लिखते हैं, लेकिन और बेसिक आइडिया जो आप दिए उससे मैं कनेक्ट करके 2-4 देखिए होता भी यही है कि 2-4 अगर आपके पास इनोवेटिव पॉइंट है ना तो जनरल पॉइंट्स तो लिखकर लोग आते हैं, 2-4 जैसे ही इनोवेटिव पॉइंट्स लिखते हैं तो डेफिनेटली मार्क्स वहाँ बढ़ने लगते हैं। जी सर। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी सफलता है अजय जी आपकी, आपके पूरी फैमिली की और सोसाइटी के लिए और हमारे पूरे फैमिली परफेक्शनाइज फैमिली की एक बहुत बड़ी सफलता है, आप लोग इसी तरीके से सफल होते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही हमारे ईश्वर से गुजारिश होगी। और इसी तरीके से आप जब आप आगे जाएं तो सोसाइटी के लिए भी अच्छा करें, यही हम लोग चाहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच आपको यहाँ पर आने के लिए और इस तरीके से जुड़ने के लिए। थैंक यू।